Welcome to this math session, students. In previous class, we started M20.3. We have seen all the basic formulae of differentiation. M1 में हम इसमें से कुछ formulae already पढ़ चुके थे. Till your tan x, cosec x, sec x, cot x. ज्यादातर हमने sin x और cos x यही इस और tan x इन तीनों के differentiation के formula को ही use किया था. Right. Remaining formula हमने कल देखी. ये formula कैसे आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा. That is also very easy. एंड फिर हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला था. तो वहां से शुरू करते हैं. आपके इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 का क्वेश्चन 1 हमने शुरू किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 3x² + 2, जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो जब मैं उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, आई नीड टू यूज योर चेन रूल, इजंट इट? जैसे अगर d by dx of tan inverse u हो, that will be 1 upon 1 plus u square into du by dx. Similarly, यहाँ पे 1 upon 1 plus 3x square plus 2 whole square into d by dx of 3x square plus 2, इतना हमने लिखा था. अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. So 1 upon 1 plus, now, 3x square plus 2 whole square, तो बस वो हमें simplify करना है. a square plus 2ab plus 4. एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² + 2, तो ये आपका हो जाएगा 6x + 0. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6x / 4 + 1 5 + 12x² + 3² = 9 x² whole² = x^4. दिस विल बी अवर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ एवरीवन इन क्लास एक्सरसाइज का? राइट, इसे आप नोट डाउन कर दो. तो जस्ट जो आप जानते थे डिफरेंशिएशन के बारे में चेन रूल, वही हमने यूज किया है. जस्ट वी हैव यूज्ड वन मोर फॉर्मूला, राइट, दैट वी हैव लर्नड इन प्रीवियस सेशन. इन क्लास एक्सरसाइज में फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 है वो पैरामेट्रिक के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर है, तो वो सब उसी के साथ करेंगे. Comprehension section. Okay, ठीक है. So let us move to parametric differentiation now. क्या ये clear है students? Can we move to parametric differentiation? You can tell me yes if you agree. ये clear है? चल. अब parametric differentiation मैं आपको समझाता हूँ. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ से आया है वो भी मैं आपको हिंट देता हूँ. जैसे मान लो आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, राइट, हमें पता नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा. सपोज मैं साइन इनवर्स एक्स को या फिर एक्स को वाई मान लेता हूँ, सॉरी एक्स को साइन वाई मान लेता हूँ या साइन इनवर्स एक्स को वाई मान लो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल. लेट y is equal to sin inverse x, और x को किसी और वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर दो, y equal to sin inverse x. तो x आपका क्या हो जाएगा? क्या x आपका sin y हो जाएगा? Everyone, please give me some response. अब आपको d by dx of sin inverse x find करना है, that is nothing but आपको d by dx of y find करना है. You need to find dy by dx. Am I correct? You need to find dy by dx. Please give me some response, everyone. चलो अब dy by dx फाइंड करने के लिए क्या मैं यहाँ पे दोनों तरफ d by dx अप्लाई कर सकता हूँ? d by dx of x will be equal to d by dx of sin y. Can I apply this, right? On both the sides I am applying d by dx. So d by dx of x will be nothing but 1. Sin y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, कैन आई अप्लाई चेन रूल हियर? डिफरेंशिएशन ऑफ sin y विल बी cos y विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी dy by dx. यस और नो? करेक्ट है, राइट. चलो अब व्हाट वी वांट dy by dx. तो dy by dx को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, dy by dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos y. sin y आपको पता है वो x है,
if sin y is x, cos y will be under root 1 minus x square. Correct? Either up under root 1 minus sin square y kar sakte ho, or you can use right angle triangle concept. Right? If sin y is x, then cos y will be under root 1 minus x square. Is this clear, everyone? Right? So y is nothing but your sin inverse x. So yahan se aapki formula aa gayi. Sin inverse x ki. Sin inverse x ki formula 1 upon under root 1 minus x square. फिर इस तरीके से आप बाकी के फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हो। चलो अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको समझाया, इट इज नथिंग बट योर हाउ दिस फॉर्मूला और हाउ द डेरिवेशन ऑफ योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्कीम। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए पैरामीटर आपको कुछ याद है? पैरामीटर कहीं सुना सीना लग रहा है? पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ याद है? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, आपका फेवरेट चैप्टर कॉनिक्स, राइट? उसमें हम पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते थे। सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है? पैराबोला के पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है? एलिप्स के पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है? और हाइपरबोला के पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है? वन बाय वन बोलो अनिशा, कैन यू टेल मी व्हाट आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल? ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आर है, सेंटर ओरिजिन है 0,0, हमें कहा, कैन यू टेल मी? याद नहीं है? प्रद्युम्ना, हाँ, यस, वेरी इजी। बोलो आर्यन, सर्कल के लिए आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। Is this clear everyone? Because x square plus y square equal to r square. ऐसा ही सेम इलिप्स में, इलिप्स में आपका हो जाता है x equal to a cos theta, y equal to b sin theta, because x square by a square plus y square by b square equal to 1. Do you remember all of this everyone? Right? Hyperbola की formula क्या थी? X equal to a sec theta, y equal to b tan theta. Parabola में आपके depend करेंगे y square equal to 4ax है कि x square equal to 4by है, right? y square equal to 4x, हाँ बोलो रोहित, y square equal to 4x के लिए क्या आएगा? x equal to 80 square, y equal to 280, यहाँ पे x equal to 2bt and y equal to bt square. थोड़ा बहुत याद आ रहा है everyone, right? आसान है, निधि, okay, श्रीहरि, चलो. तो आज ही मैंने आपके ग्रुप में मैसेज देखा, विष्णु सर तो फिजिक्स में आपके क्लास 11th के रिवीजन एग्जाम भी ले रहे हैं, मैं तो रिवीजन एग्जाम तो भूल ही गया था, हमें भी तो हमारे रिवीजन एग्जाम रखनी है ना मैथ्स की, नहीं तो फिजिक्स तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मैथ्स में आप वीक रह जाओगे, आया ना रोहित, राइट? मैथ्स में भी रखनी है ना रिविजन एग्जाम। तो कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी के साथ अभी रिविजन एग्जाम लिमिट्स की रख दें ये संडे, रिविजन एग्जाम ऑफ लिमिट्स, बिकॉज आपका कंटिन्यूटी आपने स्टार्टिंग में किया है तो दैट विल बी बेटर, और आसान सा चैप्टर है, छोटा सा, राइट? ओके, सो आई विल आल्सो पोस्ट इन ग्रुप, ठीक है। सर्कल हो गया आपका, पैराबोला हो गया आपका, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप एक्स को किसी दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट करते हो, वाई को भी उसी सेम पैरामीटर में कन्वर्ट करते हो, एज फॉर एग्जाम्पल एक्स को टी में कन्वर्ट कर रहे हो तो वाई को भी टी में ही कन्वर्ट कर रहे हो, कैन यू सी दिस हियर एवरीवन? हाँ या ना? ये यॉनिंग रोहित, अगर एक्स को थीटा में कन्वर्ट कर रहे हो तो वाई को भी थीटा में ही कन्वर्ट कर रहे हो, हाँ या ना? राइट? नहीं समझ, कंटिन्यूटी में वो नहीं आएगा, राइट? सिमिलरली यहाँ पे एक्स को थीटा में कन्वर्ट कर रहे हो तो वाई को भी थीटा में ही कन्वर्ट कर रहे हो, कैन यू सी दिस एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। दैट मीन्स आपके जो मेन वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इसको आप किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो, तो जब आप उसे किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे x हो रहा है आपका f ऑफ t, y हो रहा है आपका g ऑफ t, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड t इज कॉल्ड पैरामीटर। t आपका यहाँ पे हो जाता है पैरामीटर एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन।
इज दिस कंसेप्ट क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे? हमारा एम होगा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। क्वेश्चन का बस आपका टाइटल होगा फाइंड डीवाई बाई डीएक्स। क्वेश्चन में बस आपका टाइटल होगा फाइंड डीवाई बाई डीएक्स। वो आपको कुछ नहीं बताएंगे कि इट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन और व्हाट, वो आप देख के पहचान सकते हो। अगर x किसी दूसरे पैरामीटर में दिया है, y दूसरे पैरामीटर में दिया, आपको dy by dx फाइंड करना है। डायरेक्टली तो हम dy by dx फाइंड नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम क्या फाइंड कर सकते हैं मुझे बताओ। अगर x इक्वल टू एफ ऑफ टी है तो यहाँ से हम डायरेक्टली dx by dt फाइंड कर सकते हैं। कहने से dx by dt will be f dash t। Yes. अच्छा, ये m1 में हमने किया था, ओवेश ओवेश इज टेलिंग m1, या m1 का एक TPP क्वेश्चन में था। ऐसे टाइप का किया है हमने। यस, टीपीपी टीपीपी क्वेश्चन, करेक्ट? हाँ सर। यस, सेम हियर, डीवाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू जी डैश टी। मैं डीवाई बाई डी टी फाइन कर सकता हूँ, डीएक्स बाई डी टी फाइन कर सकता हूँ। व्हाट आई वांट डीवाई बाई डीएक्स। अब इन दोनों की मदद से हम डीवाई बाई डीएक्स कैसे फाइन कर सकते हैं? आई कैन फाइन डीवाई बाई डीएक्स एज इक्वल टू डीवाई बाई डी टी अपॉन डीएक्स बाई डी टी। जब आप dy by dt और dx by dt को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा dy by dx। Now what is the reason behind it? ऐसा क्यों हो रहा है? Yes, one student will tell me, sir, ये dt dt cancel हो जाएगा इसलिए dy by dx आ जाएगा, करेक्ट? एंड yes, indeed it is correct। समझो, जब हम dy by dx लिखते हैं, लिखने का मैं टाइम दूंगा, इट इज नथिंग बट इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हा या ना? हम बोलते भी ऐसे ही हैं, d by dx of y और d by dx of f of x, दिस इज एग्जैक्टली पर्टिकुलर सिंबल d by dx, डिफरेंशिएशन का सिंबल ये आपका d by dx, राइट? तो क्या dy by dx को क्या मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ? क्या मैं उसको dy by dx काउंट कर सकता हूँ? दैट मीन्स जो d by dx of y है, क्या मैं उसे ऐसे काउंट कर सकता हूँ? इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ डीवाई एंड डीएक्स, दिस इज द क्वेश्चन मार्क हियर। क्योंकि जब आप उसे डीवाई और डीएक्स के रेशियो में काउंट करते हो तभी वो कैंसिल होगा, हाँ या ना? ये डीटी डीटी आपका कब कैंसिल होगा? जब ऊपर है वो डीवाई और डीटी का रेशियो है, डिनोमिनेटर में डीएक्स और डीटी का रेशियो है। तो समझना, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल। ये जो आपके डीएक्स और डीवाई है, इसे डिफरेंशियल बोला जाता है, छोटे डिफरेंशियल्स। और इसे आप सेपरेटली काउंट कर सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, अब ये कहां से आया? तो M1 में आपको याद होगा जब हम dy by dx पढ़ते थे, राइट? dy by dx पहली बार जब हमने पढ़ा था, जब स्लोप वाला कंसेप्ट हमने पहली बार देखा था, डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? राइट, जब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जब आप कनेक्ट करोगे, ये आपका बनेगा सेकंड, एम आई करेक्ट? राइट, सॉरी, कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, नॉट, मतलब जब लाइन हो जाएगी तब, दिस इज कॉर्ड, राइट? ये कॉर्ड का अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, यहाँ पे वाई का डिफरेंशिएशन डेल्टा वाई, यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन डेल्टा एक्स, राइट? फिर इसी ग्राफ में जब आपका ये पॉइंट के नजदीक जाता था, ये पॉइंट पे ये कॉर्ड अब आपका बन जाएगा टेंजेंट, एम आई करेक्ट? राइट, एंड जब आप ये स्लोप लोगे तो ये डेल्टा वाई भी आपका एकदम स्मॉल हो जाएगा, डेल्टा एक्स भी एकदम स्मॉल हो जाएगा। तो दिस विल बी योर डीवाई एंड दिस विल बी योर डीएक्स, दिस विल बी योर डीवाई बाई डीएक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? You can tell me yes. So moral of the story, हम यहाँ पे दो चीज पढ़ रहे हैं। जो d by dx of y होता है, as per requirement, जब जब हमारी requirement होगी, हम उसे dy और dx का ratio ले सकते हैं। We can treat them as separate differentials. dy और dx का हम उन्हें ratio ले सकते हैं। Whenever we will have any such kind of requirement. Is this clear everyone? Right? So ये symbol भी है, d by dx भी है, differential का symbol, और हम उसे dy by dx भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। वी आर गोइंग टू परफॉर्म पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बाय दिस वे ओनली। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का केस है।
वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स को अगर मैं दूसरे टर्म में लिखता हूँ तो वहां आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू 280 एंड एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? चलो अब dy by dx मुझे फाइंड करना है, राइट? या y square equal to 4x से dy by dx थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें मुझे एक और स्टेप आपको सिखाना है, x square equal to 4by लेते हैं, तो वहां से dy by dx आसान होगा, let us take x square equal to 4by. अगर x square equal to 4by है आपके पास, आपको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड कर सकते हो? अगर नॉर्मल वे में आपको करना है, मुझे बताओ x square equal to 4by है, यू नीड टू फाइंड dy by dx, कैसे फाइंड करोगे? जस्ट वी विल अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स और नॉट? हाँ या ना? या पहले y को सब्जेक्ट बना दोगे उसके बाद अप्लाई करोगे, वॉट एवर यू फील कम्फर्टेबल. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फोर बी वाई. रिप्लाई देते रहना स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स देते रहना, रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर ऐसे ही जाएगा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा, ये 4b कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी योर डी वाई बाई डी एक्स. तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाते हो, डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा? 2x by 4b. And that will be nothing but your x by 2b. Am I correct? dy by dx equal to x by 2b. अब इसे अगर मान लो ये सेम इक्वेशन अब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है. पैरामेट्रिक फॉर्म इसका होता है x इक्वल टू 2bt, y इक्वल टू bt स्क्वायर. पैरामेट्रिक फॉर्म से आपको डिफरेंशिएशन करना है तो हम पहले dx by dt फाइंड करेंगे. व्हाट विल बी dx by dt? बोलो कोशी, dx by dt क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर 2b. 2b, वेरी गुड. रोहित, dy by dt क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके. रोहित पहले अनम्यूट करो अपने आपको. वेट, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हो? ठीक है समर्थ, आप बताओ जल्दी. 2bt. यस, b कांस्टेंट और t स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2bt. तो ये आपका 2bt हो गया, ये 2b हो गया. अब हम dy by dx कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने देखा dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, right? चलो, what is dy by dt? dy by dt is 2bt. What is dx by dt? dx by dt is 2b. So dy by dx आपको फाइनल मिला पैरामीटर t, right? But आप चाहो तो इसे इस पैरामीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रख सकते हो, या बेटर पैरामीटर को कन्वर्ट करके उसको x और y में लिख दो, right? कन्वर्ट करके. चलो t को अगर मुझे x में कन्वर्ट करना है, कैन आई यूज दिस फर्स्ट रिलेशन? ये फर्स्ट रिलेशन से क्या मैं t को x में कन्वर्ट कर सकता हूँ? प्रद्युम्न, आया ना? क्या आप मुझे कन्वर्ट करके बता सकते हो प्रद्युम्न, यहाँ पे आंसर क्या आएगा अगर आप t को कन्वर्ट करोगे तो? प्रद्युम्न. हेलो सर. हेलो सर. हाँ यस प्रद्युम्न बोलो. सर x by 2b आएगा. x by 2b. Now in both the cases you are getting same answer or not? Yes. Check. Okay. So understood parametric differentiation, right? Examples से सारी चीजें और clear हुई होंगी आपको, right? You can tell me yes, everyone. Parametric differentiation क्या है? उसके अंदर हमने differential का concept पढ़ा कि कब हम differential का concept use कर सकते हैं. चलो इसे note down कर दो quickly, फिर इसके base पे questions देखते हैं. Okay, can you see this question number 2 of in-class exercise, everyone? Right. They are asking us to find dy by dx if x is equal to a into theta minus sine theta and y equal to a 1 minus cos theta. अब ये कौन सा कर्व है, ये आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे. इंजीनियरिंग में आपको कर्व ट्रेसिंग नाम का चैप्टर आएगा, राइट? वहां पे ये सारी चीजें आप पढ़ोगे. सो एक ये समथिंग ऐसा वाला कर्व होता है, ये वाला y equal to a 1 minus cos theta. This is x axis, this is y axis. नहीं तो बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये अभी के लिए कोई काम कर नहीं है. चलो इधर अब यहाँ पे समझो,
हम ये देख के समझ सकते हैं कि ए थीटा में एक्स थीटा में दिया गया है, वाई भी थीटा में दिया गया है, ए कुछ बोला नहीं गया है, ए मे बी एनी कॉन्स्टेंट, राइट। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, सो डेफिनेटली आपका पैरामेट्रिक वाला कंसेप्ट हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना? पैरामेट्रिक वाले कंसेप्ट के लिए हमें डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा सेपरेटली फाइंड करना है। सो फर्स्ट ईयर विल राइट द क्वेश्चंस वन मोर टाइम, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y is equal to a 1 minus cos theta. So now therefore dx by d theta is equal to a theta ka differentiation ho jayega 1, sin theta ka differentiation ho jayega cos theta. Kya main directly likh sakta hu everyone? Haan ya na? You can tell me yes if you agree. a 1 minus cos theta hoga ki nahi? Right? Which is nothing but your y only. Chalo mujhe dy by d theta karna hai. Pradyuman dy by d theta kya hoga? Can you tell me here what will be dy by d theta here? Pradyuman, are you there? Priya, can you tell me dy by d theta? Ignore kar rahe ho, right? ठीक है ठीक है, टीचर को इग्नोर कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट आपको इग्नोर कर देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बेटर रिप्लाई दो। हाँ यस, वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो स्टूडेंट्स, राइट। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस साइन, सो दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा, डीवाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा, क्लियर। नाउ वी नीड टू फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। Is equal to dy by d theta divide by dx by d theta. dy by d theta आपका हो जाएगा a sin theta. dx by d theta आपका हो जाएगा a 1 minus cos theta. अब a आपका cancel हो जाएगा. Simply you can write sin theta upon 1 minus cos theta. ज्यादा से ज्यादा हम उसे convert करके cancel भी कर सकते हैं. साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या यहीं पे आपको स्टॉप करना है तो आप यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो, राइट। साइन थीटा विल बी 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल, एक एक साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन विल बी योर कॉट थीटा बाई 2। dy by dx is equal to cot theta by 2. Okay? Clear everyone? Easy? Jaldi jaldi likh do. Meanwhile, I will show you one more question. Can you see this question number 3 on screen everyone? हाँ सर। Right, okay. लिखना बाकी है तो छोड़ दो, I'll give you time. पहले ये समझ लो। If x equal to a sec cube theta, y equal to a tan cube theta, find dy by dx at theta equal to pi by 3. So it is same as your previous question, बस n में आपको theta की value pi by 3 यहाँ पे substitute करनी है। So if x is equal to a sec cube theta, then what will be dx by d theta? A constant. sec cube theta का differentiation कैसे होगा उवेश? सर chain rule लगाएंगे सबसे पहले, d sec cube theta by d sec theta करेंगे into d sec theta by d theta करेंगे, तो okay 3 sec square theta into sec theta का जो differentiation होता है तो sec theta tan theta, yes, so 3 sec square theta into d by d theta of sec theta, जो हो जाएगा sec theta into tan theta, so 3a sec square theta, then I am going to get sec theta into tan theta, so ultimately it will be 3a sec cube theta into tan theta,
Now let us check for y. Y is equal to a tan cube theta. Okay, what can be the value of dy by d theta? चलो dy by d theta अभी हम करते हैं. निधि, can you try dy by d theta here? Nidhi, are you there? Sanya, can you try dy by d theta? Siddharth, can you tell me dy by d theta here? Jai Sharan, can you tell me dy by d theta? Sir, a 3 tan square theta into 6 square theta. Yes. So, a आपका constant, उसके बाद 3 tan square theta into d by d theta of tan theta, which will be 6 square theta. So, it is 3a tan square theta into 6 square theta. This is dy by d theta, this is dx by d theta. चलो अब हमें dy by dx फाइंड करना है. नाउ dy by dx विल बी इक्वल टू dy by d theta अपॉन dx by d theta. रुक जाओ रोहित, रुक जाओ, मैं दूंगा टाइम, दूंगा लिखने के लिए. चलो अब dy by d theta आपका क्या होगा? इट विल बी योर 3a tan square theta 6 square theta. dx by d theta 3a sec cube theta tan theta. 3a कैंसल, sec square कैंसल, एक sec बचेगा यहाँ पे, एक एक tan कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका tan theta by sec theta or not, right? tan को आप लिख सकते हो sin by cos, sec आपका हो जाएगा 1 by cos, so it is nothing but your sin theta. अब आपको पूछा जा रहा है dy by dx at theta equal to pi by 3. is equal to sin pi by 3, which is root 3 by 2. ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? आसान है? चलो आप नोट डाउन कर दो, आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री में आपका जो भी लिखना बाकी है, यहाँ पे आपके पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं. थर्ड क्वेश्चन. So now let us understand the difference between explicit functions and implicit functions. अभी तक आपने जो भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, उसमें जनरली आपको इस टाइप का फॉर्म दिया गया था, y इक्वल टू f ऑफ x, और फिर आप करते थे फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन, वेदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से करते थे या चेन रूल से करते थे. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. मतलब y आपका एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस होता था x के टर्म में, आप y को पूरा फोकस दे देते थे कि वो पूरा आपका जो भी इक्वेशन आप लिखते थे उसमें वाई को आप रिप्रेजेंट कर सकते थे एक्स के फॉर्म में डायरेक्टली. हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, अ फंक्शन और एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन वेयर योर वाई योर डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स. इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा? आपके x और y का कॉम्बिनेशन होगा. आप उसे f नाम दो, phi नाम दो, psi नाम दो, जो भी नाम दो. सपोज phi of x comma y equal to 0, जहां पे y को आप एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते x के टर्म में. समझते हैं?
थोड़ा थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें क्या है, समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई में से मैं वाई को कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्स में, हाँ या ना? वाई क्या हो जाएगा, इजंट इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय फोर बी, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बट सिमिलरली अगर मैं दूसरा पैराबोला लेता हूँ दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, क्या मैं इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकता हूँ वाई को एक्स में? अगर मुझे वाई को एक्स में कन्वर्ट करना होगा मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर जब भी उधर जाएगा एक ऑप्शन होगा प्लस स्क्वायर रूट फोर एक्स, सेकंड विल बी माइनस स्क्वायर रूट फोर एक्स, हाँ या ना? एंड ऑन द अदर हैंड योर एक्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो, ए नेगेटिव है तो एक्स विल बी ऑलवेज नेगेटिव, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, तो y square equal to 4x आपका implicit function का example होगा, और x square equal to 4by आपका explicit function का example होगा। अभी हल्का सा जितना मैंने पहला concept समझाया कि अगर हम y को explicitly, y को x के term में आप represent कर सकते हो directly, पूरा focus सिर्फ x पे है तो explicit function है, आप उसको directly convert नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे तो इतना आसान भी था, कुछ function तो ऐसे होंगे कि जिसमें आप direct convert कर ही नहीं पाओगे, जैसे यहाँ पे तो एटलीस्ट प्लस माइनस में भी आपने किया, कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि आप प्लस माइनस में भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, बोलो अब क्या इसमें से वाई को सब्जेक्ट बनाना आसान होगा? और अभी तो सिर्फ मैंने आपको पॉलिनोमियल टाइप ही लिखा, यहीं पे अगर y टू द पावर माइनस थ्री की जगह साइन y आ गया, अब y को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, राइट? डॉन का डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, बट उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लाइक दैट। y का इंतजार तो सभी जेई एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, बट y को सब्जेक्ट बनाना यहाँ पे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एम आई करेक्ट? You can tell me yes, everyone, right? Yes. And as expected, Samarth का reply आ गया, हाँ सर देखिए movie, okay. तो Don movie आपने कौन सी देखी है Samarth? अमिताभ बच्चन वाली, शाहरुख खान वाली, या दोनों? नहीं वाली, okay. चलो अब movie से निकल के वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब implicit में और थोड़ा detail में जाते हैं, इसको और थोड़ा detail में समझते हैं। चलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई पैराबोला का ग्राफ आपका क्या होता है? सर आप कुछ भी कर लो, हम बोलने ही नहीं वाले हैं, इधर आप ग्राफ दिखा दो, हम तो बिल्कुल नहीं बोलने वाले। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई कुछ आप, हाँ जैसे रोहित ने मुझे साइन का कर्व दिखाया था, ऐसे आप भी कुछ दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे अपने हाथ पांव हिला के, मतलब एटलीस्ट हाथ। एनीवन हु विल टेल मी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई, मीत एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई का कर्व कैसा होता है? यस, हाँ यस अभिराम, मीत सो रहा है आराम से आई थिंक, यस इट इज लाइक यू अभिराम, राइट? So, आपका ऐसा, यस अपवर्ड यू, सो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई। नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का कर्व कैसा होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, हाँ यस ओइश, तो ऐसा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स सी, हाँ यस अनिशा, वेरी गुड। चलो अब मुझे ये बताओ, क्लास इलेवंथ में हमने कुछ पढ़ा था, कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं वो हम कैसे चेक करते थे? वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्लास ट्वेल्थ में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखा, क्या चेक करने के लिए, वो वन टू वन है या मेनी टू वन, बट ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई क्या ये फंक्शन है? Yes, sir. आया ना, यस yes. चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर बी ए एक्स क्या ये फंक्शन है? नहीं सर। So from vertical line test, yes, this is function. From vertical line test, this is not the function, but still we are telling it as implicit function. Haan ya na? Confusion hi confusion hai, solution kuch pata nahi.
सॉल्यूशन कुछ मिला तो यार क्वेश्चन का आता पता नहीं, अभी तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि चलो इम्प्लिसिट समथिंग ऐसा है, और फिर वापस कंफ्यूज हो गए। सर ये मैथ्स ही बहुत कंफ्यूजिंग है, नहीं ये बहुत ब्यूटीफुल है समझो। अब ये इसमें अगर जैसे कि मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स में इन दोनों को सेपरेटली रिप्रेजेंट किया, प्लस रूट फोर एक्स एंड माइनस रूट फोर एक्स, वो क्या है प्लस रूट फोर एक्स? क्या ये अपवर्ड ये वाला सेक्शन होगा? इज़न्ट दिस इज प्लस रूट फोर एक्स? आया ना राइट, सेम एक्स के लिए। और जो आपका नीचे वाला सेक्शन है इज़न्ट इट विल बी वाई इक्वल टू माइनस रूट फोर एक्स? यू कैन टेल मी यस, आया ना? So from here, can I say that your implicit function can be combination of two different explicit functions? Or implicit function? अगर ये function ही नहीं है तो हम उसे implicit function क्यों बोल रहे हैं? Because exactly it is combination of two different functions here. हाँ या ना? ये वाला y square equal to 4x आपका function नहीं है, but y equal to root 4x separately आपका function है, y equal to root 4x separately function है, y equal to minus root 4x separately function है। हाँ या ना? वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो ये दोनों आपके सेपरेट फंक्शन है, यहाँ पे आपका दो डिफरेंट फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए उसका नाम फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, दिस कैन बी योर इंटरव्यू क्वेश्चन, बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ माई इंटरव्यू क्वेश्चन। नाउ अब एक्स क्यू प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यू प्लस साइन वाई इक्वल टू जीरो, अब यहाँ से तो हम वाई को निकाल ही नहीं सकते, हाँ या ना? राइट, अब यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होगा वो भी हमें पता नहीं है, यहाँ से भी अगर हम y को देखेंगे इसका ग्राफ जो होगा ऐसी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली टू टू थ्री और मोर देन थ्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? इट ऑल डिपेंड्स ऑन ग्राफ, कि ग्राफ के हिसाब से आपको कितने सेक्शन करने पड़ेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। राइट, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले अगर ये डिफरेंस क्लियर है फिर हम उसके डिफरेंशिएशन पे जा सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? हां सर। ओके, ग्रेट। अब उसका डिफरेंशिएशन, चलो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो आप बचपन से करते आए हो, बचपन से मतलब लास्ट ईयर से, एम वन से, हाँ या ना? या फाउंडेशन से, जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन में पढ़ते आए हैं, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें चेन रूल अप्लाई करोगे, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करोगे, लाभ लाभ लाभ, एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर ही लोगे, हाँ या ना? आप जो हमें पढ़ना है वो है पर्टिकुलरली आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कि इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन आप किस तरीके से करोगे उसे समझते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल अगेन, और वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स भी हम ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको जो रूल यूज करना है दैट इज नथिंग बट दोनों तरफ आप डी बाई डी एक्स पहले अप्लाई कर दो। जब आप दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे, कैन यू राइट हियर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स, हाँ या ना एवरीवन? राइट, चलो अब राइट हैंड साइड पे फोर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फोर ए कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन। बट लेफ्ट हैंड साइड पे, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टू वाई, दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, बट वाई का अगेन डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? अब यहाँ पे जब आप डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा? फोर ए अपॉन टू वाई विच इज नथिंग बट टू ए बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा टू ए बाई वाई। अब क्या आप यहाँ पे वाई को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? नहीं, राइट? करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे यहां से अगर y को सब्जेक्ट बनाया तो प्लस और माइनस रूट टू या प्लस और माइनस रूट फोर ए एक्स आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स के भी दो आंसर मिलेंगे, हाँ या ना? एक आपको एक कर्व का डिफरेंशियल देगा, मतलब स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट, और दूसरा आपको दूसरे कर्व पे देगा फॉर दिस केस। सो इम्प्लिसिट के लिए जनरली जो आपका डिफरेंशियल होता है वो वाई के टर्म में ही रखा जाता है, उसमें हम फिर और कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं।
जैसे यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन में अगेन हम दोनों जगह पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा हम दोनों जगह पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे और वहां से डी बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहा हूँ ऑन बोथ द साइड्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो विल बी जीरो, यहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस साइन वाई, तो पहले एडिशन रूल अप्लाई होगा, प्लस है तो सबको अप्लाई होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री वाई स्क्वायर, ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट मीन्स हम यहाँ पे बस चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन? बोलो हाँ राइट सर, यस अभिराम। फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू जीरो, और सॉरी कॉस वाई के बाद डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा एम है हमें डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डीवाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है, वाई है विदाउट डीवाई बाई डी एक्स, ये बाकी तीन टर्म्स में आपके पास डीवाई बाई डी एक्स है, उसमें से अगर मैं डीवाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट या कॉमन निकाल रहा हूँ, सो एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई विल बी इक्वल टू जीरो, ये एक टर्म हो जाएगी। अगर डीवाई बाई डी एक्स को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये वाली टर्म पहले उधर चली जाएगी, इट विल बी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई। पता चला एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, अब ये हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, इसी मेथड से करना है, आसान है, वेरी डेड इजी, राइट? डैम इजी, एकदम इजी है ना। दूसरे मेथड भी बता दो एक बार। यस, वो अभी बताता हूँ। अब जो सेंगेज में आपको दिया गया है या अरिहंत में मेथड, जैसा कि मैंने एक कॉमन फॉर्म लिखा आपके इम्प्लिसिट फंक्शन का, वो कॉमन फॉर्म है फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे दोनों तरफ x से डिफरेंशियल कर रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। दिस इज योर d बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई। अब ये फाई के अंदर कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लॉगरिदम, साइन, इनवर्स, पॉलिनोमियल, जैसा यहाँ पे हुआ, राइट? अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली आपके इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, राइट? दैट इज कंसेप्ट ऑफ योर पार्शियल डिफरेंशिएशन, डो फाई बाई डो एक्स, डो फाई बाई डो वाई, डो फाई बाई डो एक्स इन टू डो एक्स बाई डो एक्स, एग्जैक्टली वो डी एक्स बाई डी एक्स है, तो वन हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स, अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा ऊपर से जाएगा, बट मैं आपको फाइनल आंसर बता रहा हूँ जो उन्होंने किया है। ये डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, दिस इज माइनस डो फाई बाई डो एक्स अपॉन दिस इज डो फाई बाई डो वाई। दिस इज द फॉर्मूला विच इज गिवन टू यू इन सेंगेज और अरिहंत, बट वो उनको वर्ड फॉर्म में दी गई है। ये फॉर्मूला कहाँ से आई है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ से जो ये स्टेप मैंने लिखा है ये आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में जाके, राइट? ड्यूरिंग योर स्टडीज ऑफ बी टेक और बी, तब अगर शायद आपको या आप मुझे याद रखोगे तो ये थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जो अभी मैं सिंबल लिख रहा हूँ डो, दिस इज डी, दिस इज डो, फिजिक्स में सिखाया है पार्शियल फिजिक्स। ओके, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पता है, ग्रेट। ओके, यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब कोई फंक्शन है जिसके दोनों वेरिएबल है एक्स कॉमा वाई, जब आप उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, सपोज डो फाई बाई डो एक्स, इट इज नथिंग बट आप उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही कर रहे हो, आप डी फाई बाई डी एक्स ही कर रहे हो, जस्ट यू आर कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हो, वाई कॉन्स्टेंट नहीं है बट आप उसे ट्रीट कर रहे हो कि वो कॉन्स्टेंट होगा, ऐसा किया था आपने फिजिक्स में, राइट? सिमिलरली फॉर डो फाई बाई डो वाई, उसके लिए आप डी फाई बाई डी वाई ही कर रहे हो बट आप एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हो, डी एक्स बाई डी वाई कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट।
अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ही यही इसी वाले क्वेश्चन में ही एक्स क्यू प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यू प्लस साइन वाई इक्वल टू जीरो, अब इसमें हम यहाँ पे डो फाई बाई डो एक्स और डो फाई बाई डो वाई ट्राई करते हैं। हाँ ये स्मिथ जो प्रोडक्ट रूल में होता है समथिंग लाइक दैट ओनली, दिस इज अवर फाई। ओके चलो मुझे बताओ यहाँ पे डो फाई बाई डो एक्स क्या हो जाएगा, आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है और जब भी वाई आएगा उसको कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई में वाई कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जीरो, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन जीरो। पता चला स्टूडेंट्स, क्या डो फाई बाई डो एक्स क्लियर है? सो डो फाई बाई डो एक्स विल बी इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई। चलो अब डो फाई बाई डो वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, एक्स क्यूब का हो जाएगा जीरो। अब x इंटू वाई उसमें हम x को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, y क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई। सो डो फाई बाई डो वाई आपका हो जाएगा x प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई। अब dy वाई बाई डी एक्स के लिए इस फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू रखोगे dy वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू माइनस डो फाई बाई डो एक्स अपॉन डो फाई बाई डो वाई। ये याद रखने के लिए आप ये y को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जाना है, dx को न्यूमिनेटर में लेके जाना है और माइनस साइन आगे। माइनस डो फाई बाई डो एक्स दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डो फाई बाई डो वाई एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई। राइट, तो जो आप पैरामेट्रिक में करते थे, पैरामेट्रिक में आपको याद है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, इट इज समवट सिमिलर टू दैट मेथड ओनली। इसीलिए प्रांजल आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि सर पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट में डिफरेंस क्या है। एग्जैक्टली दिस इज द मेन डिफरेंस। पता चला एवरीवन? दोनों में आपका आंसर सेम, इज दिस क्लियर? अब ये दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, राइट? बट बोर्ड्स में ये वाली मेथड नहीं कर सकते, पार्शियल वाली, क्योंकि पार्शियल वाली आपके बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। इवन पार्शियल डिफरेंशिएशन ही सिलेबस में नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप पूरा अलग से इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। सो बोर्ड्स के लिए मैं यही मेथड रिकमेंड करूंगा, इवन जेई के लिए आप इसी में जा सकते हो क्योंकि दोनों में स्टेप्स तो सेम ही लगने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट, यू आप यहाँ से देख सकते हो, बट आपको जो इजी लगे, राइट, वॉट एवर यू फील कम्फर्टेबल, वॉट एवर यू फील ईजी। एंड यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जल्दबाजी में डो एफ बाई डो फाई बाई डो वाई ऊपर लिख दिया, डो फाई बाई डो एक्स नीचे लिख दिया, अवेंजर्स एंड गेम हो जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? इम्प्लिसिट क्लियर हो गया, व्हाट इज इम्प्लिसिट, कंसेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट एज वेल एज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलो यस और नो। राइट, अब आपके इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे इसके बेस से, पहले ये सब लिख दो फॉर्मूला बुक में, ओपन योर फॉर्मूला बुक। M 20.2 कल की मैथ्स क्लास से पहले आपको सबमिट करना है, राइट? उतना तो आप कर सकते हो आराम से। चलो, फाइंड डेरिवेटिव dy by dx इफ y cube plus 3y square x is equal to x cube plus 3x square y। इवन चलो एक और दिन बढ़ा देता हूँ, सैटरडे की मैथ्स क्लास से पहले करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? बट कल जिनका बाकी है M 19.4 और TPP वो कल पहले आ जाना चाहिए, पहले वो चेक होगा। चलो y cube प्लस थ्री वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। अब वो देख के आपको आइडेंटिफाई करना है, बोलो क्या ये एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है? एक घंटा नहीं लगाना इसको देख के सोचने में, एक्सप्लिसिट कैसे हुआ सर? फाई एक्स वाई दोनों पे डिपेंड हो रहा है, वो इम्प्लिसिट होता है। हाँ, अब नाम में यही कंफ्यूजन हो रहा है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में, राइट? अब यहाँ पे वाई और एक्स दोनों है, मतलब वाई को सेपरेटली एक्स के टर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो दिस विल बी इम्प्लिसिट। ओके प्रांजल, ओके समर्थ, समर्थ भी उसी में कंफ्यूज हुआ। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नाम क्यों याद रखना जरूरी है, कैसे याद रखना है वो समझो। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्रेस, y को अगर आप x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते दैट इज इम्प्लिसिट। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? समर्थ आपने एबीसीडी मूवी देखी होगी, हाँ, उसमें कुछ डायलॉग था प्रभु देवा का, क्या डायलॉग था? हाँ
या और किसी ने भी एबीसीडी मूवी देखी हो वो, हाँ, he dance or perform to express, not to impress, right? तो यहाँ पे y को आप x में express कर सकते हो, y यहाँ पे x को impress करने के लिए जाता है तो वो अंदर ही फंसा रहता है, y x की जोड़ी, इसलिए वो implicit function, explicit function y को आप x में directly express कर सकते हो. Is this clear everyone? हाँ या ना? अब याद रखने के लिए आप कुछ भी ऐसे जुगाड़ लगा सकते हो. चलो, so d by dx हम दोनों तरफ apply कर देंगे, d by dx of y cube plus 3y square x is equal to d by dx of x cube plus 3x square y. चलो, d by dx हम यहाँ पे apply करते थे students, d by dx of y cube क्या हो जाएगा? 3y square dy by dx or not, right? यहाँ पे 3 x constant y square का हो जाएगा 2y dy by dx plus y square constant x का हो जाएगा 1. x cube का differentiation 3x square, 3 constant, x square constant y का differentiation dy by dx plus y constant x square का differentiation 2x. Therefore 3y square dy by dx plus, अब सभी जगह 3 है, 3 को क्या मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ, राइट? चलो y square dy by dx plus 2xy dy by dx plus y square is equal to x square dy by dx plus 2xy. अब सारे dy by dx एक तरफ, dy by dx के बिना वाले एक तरफ. So therefore y square plus 2xy minus x square dy by dx, this all terms are containing dy by dx. यहाँ पे x square plus 2xy minus y square. तो जब आप dx dy by dx का सब्जेक्ट बनाओगे, dy by dx आपका हो जाएगा x square plus 2xy minus y square upon y square plus 2xy minus x square. बोलो, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आसान है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? कुछ बोलो पहले, राइट? अब यहाँ पे जो हमने किया है ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को लेके हमारे पास एक आंसर आया, ये हमने किया अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन में. डिफरेंशियल इक्वेशन हम चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे M24 इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद. वहां पे ये जो हमारा आंसर आया है वो क्वेश्चन होगा, और जो क्वेश्चन है वो आंसर होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे हम रिवर्स प्रोसेस करने वाले हैं. अभी बस थोड़ा बहुत मैं आपको टीजर दे रहा हूँ, टीजर ऑफ KGF. तो अभी के लिए बस वो टीजर डिफरेंशियल इक्वेशन का M24. अभी के लिए बस आपको ये क्वेश्चन में समझ आना चाहिए. ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट? इम्प्लिसिट फंक्शन एग्जैक्ट, एकदम क्लियर, उसके क्वेश्चंस. अब आपके मॉड्यूल में लेवल 2 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, वो सब अलग है, उसमें से कोई इम्प्लिसिट वाला नहीं है, तो वो आपको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में. होमवर्क एक्सरसाइज में आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रोल्स थ्योरम है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4. क्वेश्चन 7, 1, 3, 4, 7, 8, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 7, 8, 9, and 12. और भी हैं जो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए इतना करो. तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, ओके, होमवर्क एक्सरसाइज ऑफ 20.3. और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए इतने ठीक है. आप बोलोगे तो और क्वेश्चन देता हूँ, शैल आई? नहीं सर, काफी है. ठीक है रोहित, काफी है.